साउंड वाकई बढ़िया है, लेकिन संस्कार बिगड़े हुए हैं हमारे। और संस्कार क्यों बिगड़े मालूम? पतन हो चला संस्कृति का। कविता सुनना मेरे दोस्तों, कविता भी सुनना। पतन हो चला काय का वावा, संस्कार बिगड़ रहे हैं हमारे और तुम वावा कर रहे हो। कभी भी कोई चीज बिगड़ती तो वावा नहीं करना। मैं गाता हूँ, रियाज करता हूँ मुकेश भाई, मैं जब भी गाने की प्रैक्टिस करता हूँ घर में बैठकर, तो पड़ोसन का कुत्ता भौंकने लगता है। वे वे वे। सही किया ना? अब मैं गाता हूँ तो वो करता हूँ, एक दिन गुस्सा आया मैंने कि भाभी जी पड़ोसन के पास ना गया, आपके कुत्ते को समझाइए, जब भी गाने का रियाज करता हूँ आपका कुत्ता भौंकने लगता है। तो पड़ोसन बोली, भाई साहब इसमें गलती कुत्ते की थोड़ी, गलती आपकी है। बोले क्यों? बोले शुरुआत तो आप करते हो। पतन हो चला संस्कृति का, पतन हो चला संस्कृति का। जब से गीत बजने लगे इलोए, तो सूर कबीर मीरा के दोहे फूट फूट कर रोए। क्यों रोए आपको मालूम है? क्यों रोए? क्योंकि चमक उठी संत्याणों में, फिर सलवार पुरानी थी। हाँ कहाँ है सलवार? तलवार की बात कौन करता है? तलवार कहाँ है अब? सलवार चमक रही है। चमक उठी संत्याणों में, फिर सलवार पुरानी थी। बूढ़े लोगों के हृदय में शिल्पा जूही समानी थी, और करिश्मा उर्मिला ने ऐसी करी मनमानी थी कि घोर पतन हो संस्कृति का सबने मन में ठानी थी। पारू के अदावर जलवे लोग जान रहे थे इनके तलवे, अरे ऐसे मैं क्या करती मुन्नी। अगर कोई चिंतन का दिया टिमटिमाता हुआ दिखाई दे तो कोताही मत बरतना तालियों की, कि ऐसे में क्या करती मुन्नी। मांग रहे थे सारे चुम्मी, बात नहीं संस्कारों की ना आदर्शी नारों की। जब हमने पेड़ बम्बूल का बोया, तो फिर खता क्या बहारों की, खता क्या बहारों की, खता क्या बहारों की। फिर टिंकू ने कंकर मारा, फिर टिंकू ने कंकर मारा, जिसकी चर्चा आम हुई। हालात का दोष है काका जी, जो मुन्नी बदनाम हुई। बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए, अच्छी शिक्षा नहीं दी, बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं मालूम आपको? हमारे बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं आपको मालूम है? मालूम है आपको? हाँ बताऊंगा मैं। बच्चे इसलिए बिगड़ रहे हैं कि बच्चों के संस्कार जो है ना, आजकल इन टीवी चैनलों ने ले लिए हैं, इन मोबाइल ने ले लिए। अब जैसा बच्चा वहां देखते हैं ऐसा बच्चे करते हैं। बच्चे तो क्या बूढ़े भी करते हैं? रात की 1:30 बजे हमारे यहाँ मांगेलाल काका जी टीवी का चैनल लगा लिया 18 नंबर, अब वो फैशन शो देख रहे हैं काका जी। अब वो काका जी फैशन शो देख रहे हैं तो उनका 4 साल का लड़का जग गया। अब वो जगा तो बोले, दादाजी ये क्या देख रहे हो? अब दादाजी रिमोट बंद करे तो बंद नहीं हुए। अब वो बंद नहीं हुए काका जी से तो बोले, बोले क्या देख रहे हो? दादाजी कहने लगे, बेटा देश में कितनी गरीबी है, लोगों को कपड़े भी ढंग से नसीब नहीं होते हैं। लड़का कहने लगा, बोला दादाजी ये 18 नंबर चैनल को क्या देख रहे हो, 25 नंबर को देखो, उस पे और ज्यादा गरीबी है। बच्चों को बिगाड़ने में इन फिल्म इंडस्ट्रीज वालों का हाथ है। हमने शिक्षा नहीं दी बच्चों को, अच्छा ज्ञान नहीं दिया, तो आपके बच्चे बिगड़ेंगे। पुराने जमाने में काका जी आपके जमाने में फिल्म होती थी जिसमें संदेश होता था, फिल्म तो फिल्म है, गाने ऐसे होते थे जिसमें संदेश होता था। बहारो फूल बरसावो मेरा महबूब आया है, एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना। लेकिन आजकल तो पता नहीं चल रहा किस डाल पे तोता और किस डाल पे मैना। पुराने जमाने में गीत होते थे कि आज मेरे यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। लेकिन आजकल के गाने तेने दुल्ला किने बनाया पूछनी के। पुराने जमाने में गीत होते थे,
लेकिन आजकल आदमी कबड्डी खेल रहा, कबड्डी जैसे गाने हो गए, राजा मिया इसकी यारी उसकी चड्डी उसने फाड़ी, हो जाए तेरी बल्ले बल्ले। अब चड्डी फाड़ने में काहे के बल्ले बल्ले, कहते हुए से बात का मुझे गम है, कहते हुए से बात का मुझे गम है, मेरी आंखें भी इस बात से नम है कि हुई जो मुन्नी बदनाम, काका जी इसके जिम्मेदार भी आप और हम हैं। हमने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए, ऐसे गाने बजा रहे जिनका कोई अर्थ नहीं है, अर्थ समझ में नहीं आया आपको, अर्थ निकालो समझ में नहीं आए, ऐसे गाने, पावर तोड़ा हाथी फोड़ा पावर तोड़ा चेम दिए जो बेन ताता सुमन सुमन दादा दिए जो बेन बादाम बादाम दादा काचा बादाम 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 दादा काचा बादाम। अब पावर तोड़ा हाथी फोड़ा कहीं मुया कर, लेकिन हम बजा रहे हैं है? पुराने जमाने में आए रिंकू भैया, पुराने जमाने में से गीत हुआ करते थे कि पशु तक गा लेते थे। हाँ रिंकू भैया, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, एक लड़के से सवाल पूछ लिया मन की, रामलाल ये बता तेरे बाप को 5,000 रुपये 2 रुपये सैकड़े की दर से 6 महीने के लिए दूंगा तो तेरा बाप मुझे कितना रुपया देगा? लड़का कहने लगा, मार साहब भरोसे मत रहना, 1 रुपया नहीं देगा। मैंने कि बेवकूफ गणित वणित नहीं जानते? बोले मार साहब गणित वणित सब जानते लेकिन आप हमारे बाप को नहीं पहचानते। गाने ऐसे हो गए कबड्डी जैसे, तुलुक 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 गाने ऐसे। अरे पुराने जमाने में ऐसे गाने थे कि पशु तक गा लेते थे। अभी तो मैं शिक्षा विभाग में टीचर हूं, इससे पहले भैंस चराया करता था, आधा गाना मेरी भैंस गाती थी और आधा गाना मैं गाया करता था। मजाक थोड़ी, ये वाला गाना, तिरछी टोपी वाले बाबू भोले भाले तुम याद आने लगे हो तो जा मेरी जाने लगी है, तुम्हारी भैंस करती ओए ओए। थे पुराने जमाने में ऐसे गाने के पशु तक गाल लेते थे, लेकिन रिंकू भैया आजकल के गाने, छत पे सोया बहनोई मैं तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। रिंकू भैया गलती कैसे हो गई? नहीं जब छत पे सोया फिर गलती कैसे हुई? राजस्थान की पावन धरा पे खड़ा हूं साहब, गलतियां हुई है मेरे देश के अंदर। मुकेश भाई गलतियां हुई है मेरे देश के अंदर, राजस्थान की वीर भूमि के बीच खड़ा होकर ये इस बड़े मंच से कहना चाहता हूं साहब, गलतियां हुई है। स्कूल में पढ़ाता हूं, सावधान विश्राम करवाता हूं, तकलीफ होती है इस बात की, नहीं कि सावधान विश्राम नहीं करा पाता हूं, तकलीफ इस बात की होती है कि पूरे जनगणमन में पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जल्दी तरंग, पूरे राजस्थान का नाम पूरे जनगण में नहीं है, तकलीफ होती है मुझे। चार पंक्तियां मैंने आक्रोश भरी लिखी और प्रश्न पूछा कि कैसे भूल गए गुरुवर तुम वीरों की इस माटी को, कैसे भूल गए गुरुवर तुम वीरों की इस माटी को, कैसे बिसरा डाला तुमने आन बान परिपाटी को, और यहां मुंड कटे और रुंड लड़े इतिहास हमें सिखलाता है, और कैसे बिसरा डाला तुमने रक्त रंजित उछल दी घाटी को, रक्त रंजित उछल दी घाटी को। हमारे बड़ नगर उज्जैन के पास में बड़ नगर है भाई साहब, भाई साहब उज्जैन के पास बड़ नगर है, वहां के कवि हुए प्रदीप जी, उन्होंने लिखा कि यह अपना राजपुताना नाच इसे तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे, यहां प्रताप का वचन पला है आजादी के नारों पे, और खूद पड़ी थी जहां हजारों पद्मनिया अंगारों पे, पद्मनिया अंगारों पे। आन बान शान का वो राजस्थान है। कमल जी मैंने चार पंक्तियां आक्रोश की लिखी है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी से कहा है कि बेशक एक हाथ भी खामोश मत रखना अगर ठीक कहा है तो, आज का बात पढ़ना बंद कर दूं अगर मुझे गलत लगा इस बात को, अगर खामोश रहा आपके हाथ तो, बेशक जनगण मन में राजस्थान का मान नहीं होता, बेशक जनगण मन में राजस्थान का गान नहीं होता, अरे राजस्थान नहीं होता तो ये हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं होता, हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं होता।
अब मेरी जय काहे के लिए बोलो मेरी जय मत बोलो। वो कहता कि हम पूरा का पूरा कश्मीर लेंगे, दे देंगे सर क्या? नहीं देंगे। और पूरा कश्मीर क्यों नहीं देंगे? पत्रकार बंधुगार यहां बैठे तो नोट करना, पूरा कश्मीर हम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि पूरा कश्मीर अभी हमारे पास नहीं है। जिस दिन पूरा कश्मीर हमारे हाथ में आ जाएगा फिर यहां मुकेश मौलवा जी के सामने उन प्रधानमंत्री को बुलाएंगे पाकिस्तान के, मुकेश भाई वो पूरा कश्मीर मांग रहे हैं और आप बात कर रहे हो। पाकिस्तान पूरा कश्मीर मांग रहा है, दे देंगे क्या? दे देंगे क्या? नहीं देंगे। और क्यों नहीं देंगे? भूल गए? साउंड बढ़िया है, पूरा कश्मीर हम नहीं देंगे सर। बखान करूं क्या भारत माँ का? माना कि हम गौतम गांधी के देश के, तुझे सत्य अहिंसा की तस्वीर देंगे, तू मांगेगा तो सिंधु का नीर देंगे। एक महोत्सव खड़ा कर देना, एक पंक्तियों को मैं छोड़ रहा हूं, उन पंक्तियों को पूरा कर देना ताकि देश के बड़े कवि यहां पर बैठे उन्हें प्रतीत हो कि यहां कविता भी सुनी जाती है। ललकार देना, दहाड़ देना, माँ भारती के सपूतों ललकार देना कि माना कि हम गौतम गांधी के देश के, तुझे सत्य अहिंसा की तस्वीर देंगे, तू मांगेगा तो सिंधु का नीर देंगे, तू हाथ बढ़ा अपना हम पूरा शरीर देंगे, हमने दिया है दुनिया को सम्मान एक बार फिर देंगे, मगर कश्मीर की बात मत करना टांग पर टांग धर के। पीछे से आवाज नहीं आई अभी तक, बात ऐसे नहीं कह रहा हूं, बात के पीछे तर्क दे रहा हूं कि छू ना पाए दुष्ट रावण खींच ऐसी रकीर देंगे, छलनी हो जाए दुश्मन का सीना वो गांधी उसे तीर देंगे, ए पाक तेरी इमारतों को तिनके की तरह बीन लेंगे, और तू क्या कश्मीर की बात करता है, कराची और लाहौर तक छीन लेंगे। क्या बात, वाह वाह। मेरे नौजवान साथियों समर्थन करना इस बात का, क्या कश्मीर की बात करता है, कराची और लाहौर तक छीन लेंगे, दुनिया से तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे, और जैसा सनी देओल ने उखाड़ा था हैंडपंप ऐसा उखाड़ देंगे। सर वो एक जट गया था सकीना के लिए, ये हैंडपंप उखाड़ के आ गया, अगर इटावा के सारे लोग जाएंगे तो मालूम क्या क्या उखाड़ के लाएंगे। छतरी की बोल रहे थे ना, हाँ पंक्तियों को संभालना, अब एक भी आवाज खामोश नहीं होनी चाहिए, आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए पाकिस्तान तक कि दुनिया से तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे, जैसा सनी देओल ने उखाड़ा हैंडपंप ऐसा उखाड़ देंगे, भारत माँ की सौगंध इस्लामाबाद में भी तिरंगा गाड़ देंगे, समझा रहे तुझे एक मौका फिर देंगे, मगर कश्मीर की बात मत करना टांग पे टांग धर के। टांग पे टांग धर के चीर देंगे, यही कविता मैंने रात की 1:30 बजे पत्नी को सुनाई। 1:30 बजे मैंने कहा कविता सुनो तो बोले के सुनाओ, मैंने कहा कश्मीर की बात मत करना टांग पे टांग धर के चीर देंगे, तो मेरी पत्नी बोली के टांग पे टांग धर के चीर तो दोगे लेकिन रखोगे कौन सी। गलतियां हुई है मेरे देश के अंदर। रिंकू भैया इधर देखो अब प्लीज, हाँ गलतियां हुई है मेरे देश के अंदर, छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई भाई, गलती थार से कैसे हो गई, गलती कैसे हुई, ये कैमरा सही ढंग से कर लो, गलती कैसे हुई, रिकॉर्ड करो इसको, साउंड बढ़िया आपका, लेकिन फिर गलती क्यों हुई? चार पंक्ति से बड़े मंच से कहना चाहता हूं साहब कि छत पे सोया बहनोई मैं तने समझ के सो गई, एक हाथ खामोश मत रखना है, तमाचा मारना है इन फिल्म इंडस्ट्रीज वालों को, इन बंबई के कलाकारों को तमाचा मारना, अगर ठीक कहा हो मैंने है? कि छत पे सोया बहनोई मैं तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, और जब आग लगाई संस्कारों को हाथों से तो रोने की जरूरत क्या थी,
आग लगाई संस्कारों को हाथों से तो रोने की जरूरत क्या थी, दाग लगाया चूनर पे तो फिर धोने की जरूरत क्या थी। अरे आहार विहार लज्जा और कार, आहार विहार लज्जा और कार जब मेरे हिंदुस्तान की संस्कृति थी तो फिर इन्हें खोने की जरूरत क्या थी, और जब तेरा बिस्तर नीचे था तो फिर छत पर जाकर सोने की जरूरत क्या थी।